केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल रैली के जरिए कुमाऊं के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हल्द्वानी में बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय से लेकर अलग अलग जगहों पर वर्चुअल रैली का डिजिटल माध्यम से संवाद हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हल्द्वानी कार्यालय से इस वर्चुअल रैली में मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए इस वर्चुअल रैली का विरोध किया। यूथ कांग्रेस ने तिनकोनिया चौराहे पर काले गुब्बारे उड़ाते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार का ध्यान प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, यह बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए आज युवा कांग्रेस के लोगों ने, हम लोग प्रदेश भर में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने प्रदेश भर में काले गुब्बारे छोड़कर, हमने धरने देकर के, सांकेतिक धरने देकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हम लगातार इनकी गलत नीतियों का, और ऐसे मौके पर जब लोगों को राहत पहुँचाने के सिवाय प्रचार करने में लगे हैं, तो ऐसे जो भी कृत्य करेगी सरकार उनका लगातार विरोध करते रहेंगे हम लोग। विपक्ष तरह तरह की गलत फहमियाँ और देश के सामने गलत प्रस्तुतिकरण कर रहा है सरकार का। सरकार को एक साल भी हुआ है, उस साल में हमने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा, और कोरोना को किस तरह से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं, उसका भी इसमें जिक्र आएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है।